ड्रामा सीरियल महर पोश आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि शाहजहाँ की वालदा ने बहुत कोशिश की कि अपने बेटे शाहजहाँ को महरू से दूर कर सके और उसने गलत बयानी से आयत की शादी शाहजहाँ से करवा दी शाहजहाँ ने शादी सिर्फ महरू के कहने पर की थी लेकिन अब वो उसके साथ खुश नहीं है और ना ही उसे खुश रख रहा है तो ये बात शाहजहाँ की वालदा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और वो हर वक्त गुस्से में रहती हैं और हर वक्त महरू के ख़िलाफ़ बोलती रहती हैं जबकि वो आयत के दिल में भी उसकी अपनी बहन महरू के लिए बहुत नफ़रत डाल रही हैं इस वक्त आयत को इस बात को समझना चाहिए कि महरू कोई और नहीं है ग़ैर नहीं है उसकी अपनी बहन है महरू के साथ उसने ख़ुद गलत किया है लेकिन वो ये समझ रही है कि महरू उसके साथ गलत कर रही है और उसका घर बर्बाद करना चाहती है इसलिए वो अपनी बहन से नफ़रत करने लगी है लेकिन शाहजहाँ अभी तक महरू को भूल नहीं पाया है और ना ही आयत को वो मुकाम दे पाया है जबकि वो आयत से हर वक्त लड़ता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहा करो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ शाहजहाँ के रवैये और बातों से आयत को बहुत गु़स्सा आता है और वो चीखती है लेकिन उसके चीखने चिल्लाने और लड़ने से शाहजहाँ को मज़ीद गुस्सा आता है और वो उसे दूर होता चला जाता है और जब आयत अपनी बहन महरू से लड़ती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है तो उनकी वालदा को बहुत गु़स्सा आता है और वो नाराज़ होती हैं और उन्हें बहुत दुख भी होता है कि महरू ने आयत के लिए इतना कुछ किया उसकी शादी शाहजहाँ से करवाई लेकिन वो अपनी बहन के साथ ऐसा कर रही है तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं तो महरू अपनी वालदा को समझाती हैं कि आप दुखी ना हों आप इस बात को छोड़ दें मैं ख़ुश हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा